الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا دے بلند محبت نال درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب میرے آقا فرمایا فقال اسماء الصلات میں تیرے درود پاک نو سندا ہاں لہالی محبت ہی جڑے بندے محبت نال پڑھدے نے اور میرے نبی فرمایا وا عرفہم اور میں پہچاندا ہاں کہ کیڑا کیڑا کی پڑھدا جیدہ کیدا ہے کہ ساڈا نبی جاندا پہچاندا سیاندا ہے باواز بلند محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا حبیب اللہ تو السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ایمان سلامت یار ہر عشق سلامت اے کوئی منگنی مان شرما دل نو غیرت ہوئی ہو جس منزل تے یارائی عشق بجاوے جس منزل تے یار عشق پجاوے ایمان نو خبر نہ کو رکھی حضرت باہو ہاں عشق سلامت میرا رکھی حضرت باہو
ते रखी हजरत बाहो मेरा इश्क सलामती रखी हजरत बाहो हज़रत बाहो इश्क सलामत रखी हज़रत बाहो साडा इश्क रखी हज़रत बाहो आते दया इमान दरो रखी हज़रत बाहो आते दे ईमान दरो अल्लाह अकबर जिंदाबाद या नबी हासीन सुन फरियाद पीराद अपीरा ते मेरी अर्ज सुनी कन तरके के हो शाह जिला महबूब सुबहानी हा शाह महबूब
ਸੁਭਾਨੀ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਲਈਓ ਝਟ ਹੋਏ ਕਰਕੇ हर तरह दी हमदो सना तो बाद मेरे नहत वाजिबुल एहतराम ज़ीनतुल उलमा साहबजादा वाला शाह सैयदुस सादात पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद नईम शाह साहब दामत बरकातुल मुकसिया नहत वाजिबुल एहतराम खतीबुल असर ज़ीनतुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शहजाद नक्शबंदी मुजद्दी दामुल बरकातुल मुकसिया नहत वाजिबुल एहतराम हर दिल अज़ीज़ शख्सियत बरादरी मोहतशम फादिल मोहतशम मेरी मुराद ज़ीनतुल कुर्रा खतीबुल असर हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अमीन चिश्ती गोलड़वी दामत बरकातुन कुसिया नहत वाजिबुल एहतराम उस्तादुल उफाज हाफिज मोहम्मद बहादुर अली साहब ज़ीनतुल उलमा फखरुल उलमा उस्तादुल उफाज हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अमीन कादरी अत्तारी दामत बरकातुन कुसिया नहत वाजिबुल एहतराम अवाम अहले सुन्नत नाथ खाना ने शीरली सा मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों और बापड़दा समात करने वाली मेरी माँ बहन बेटी तमाम नो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज दी रूहानी विजदानी महफल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वबारिक वसल्लम बहुत ही प्यारी शख्सियत मेरे भाई राना मोहम्मद अब्दुल हफीज साहब और ब्रदर मोहतरम भाई मोहम्मद रियाज साहब और ब्रदर ग्रामी हाफज वहीद साहब जिन्ना ने कोशिश की थी दिल च नबी का प्यार लैके दोस्तों को दावत दिती कि दुनिया के काम होंदे रहिंदे ने आओ मदीने वाले की याद मना के बहिए। तो मैं सब तो पहले मौजूद ही फरिस बयान तुम्हें कर देवा कि शायद तुहाडे दीन च ना आवे उस तो अगे आप इंशाला एक गल मैं तुहानू सुनानी है इंशाला उल अज़ीज़ साउंड इस कदर अच्छा है सैफी भाई का कि ये महसूस नहीं होने रहा कि थकावट है कि नहीं है। अल्लाह ताला इन्हां नूं सलामत रखे। मैं बात अर्ज कर रहा था कि सैयदा हलीमा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं लैन जांदियां ने मेरे वर्गा निकम्मा जिहा बंदा ना
ज्यादा नहीं थे 809 जुमे इस मौजू से पढ़ा सकता है कि सगदा हलीमा आले सरकार नूं लैन गई वापसी नहीं वापसी तो अलहदा मौजू है सगदा हलीमा दे वेड़े मेरे नबी चार सार रहने उलमा तशरीफ फरमाने उलमा दा दामन थाम के इज्जत दे नाल हाथ जोड़ के इन्हों को इजाजत लैके खुदा की कसम रोन आ रहा सी इहदे अंदर कोई बनावट नहीं मैं समझ रहा वा कि जो मैं सगदा हलीमा का जिक्र किया है पूरे माह च कर साहब कैसा इनाम होया कि एक खास चादर है जी सैयद दाता अली हजवेरी सरकार के मिजार से पैंदी है वह वीर खरीद के नहीं लिया खास उस मिजार तो टच होके आई है इन्होंने ये समझो कि रियाज साहब भाई अफीस साहब ने आफज भाई साहब ने सानू ये चादर दे के समझो खरीद लिता है यकीन जानो ये इतनी बड़ी नेमत है कि जो गल साडे पीर साहब को जानी है उधरों भी दुआवां तुहानू भी मिलनियां ने मैनू भी मिलनियां ने जी तो उलमा जी ने देखनी है ये मैं क्यों नहीं हुण तक लाई चादर मर्द की सोने जे अता की फिर गल भी तू बनानी है तुम 10-15 मिनट मेरा साथ देना उस तो बाद चुप कर जाया जी कसम खा लिया जे नहीं बोलना तो सगदा हलीमा दे वेड़े की कसम है तुसी अपने आप बोलना है हाँ तुसी थोड़ी देर बस रहना थोड़ी देर फिर मुहब्बत नाल जरा मैं जरे चिट्टियां दाड़ियां वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमान ने मुस्करा रहे ने ना कि साडा ये कमली वाले का गुलाम किवें जिक्र कर रहा है तो मैं इस मुस्करावन से गल करना चाहना मेरे नबी फरमाया मुसलमान मुसलमान नूं देख के मुस्करावे कोई इबादत नहीं की सिर्फ यह सोचे कि यह मेरा भरा मुसलमान है मेरे नबी फरमाया खलक अल्लाह मिन ज़ालिका सरूरी माला का अल्लाह इस खुशी का भी एक फरिश्ता पैदा करता है वह खुशी का फरिश्ता बंदे नूं जहन्नम च जान इनिया आसानियां ने नबी दे गुलाम वास्ते इना करम ही तो मैं बात अर्ज कर रहा जौक वाले हो तुहाडे जौक तो पता चल रहा है मैं बात जी अर्ज करना चाहना टाइटल नूं फरिश्ते नूं समझना सगदा हलीमा दा वेड़ा तो मेरे नबी उस वेड़े चार सार रहने सगदा हलीमा फरमांदियां ने रात नूं बच्चे रोंदे ने रो के अपनियां मावां कोलो दुध मंगदे ने मेरा सोना मेरे वेरे जिनी दे रहा वे कभी रात नूं मैनूं रो के जगाया नहीं गल जिन्हों समय लगती है कोई बात नहीं जिन्हों नहीं समय लगती समझने की कोशिश करे मैं जुमले फिर रिपीट कर देना पंजाबी मैं ठोस बोलता पिया हर बंदे नूं समय लगती है सगदा फरमांदियां ने रातां नूं बच्चे रोंदे ने रो के अपनियां मावां कोलों दुध मंगदे ने मेरे वेड़े सोना चार सार रहा वे कभी भी रात नूं रो के मैनूं जगाया नहीं ये सजदा रो के किवें जगावन ये रोंदियां नूं हसान आए ने और सजदा फरमांदियां ने कि रात में एक दिन मेरा दिल किया मैं जागा मैं वेखा मेरा मक्की बेटा मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिक सल्लम सरकार का नाम आवे तो दरूशरी पढ़ लिया करो असी समझने जिदे कोल दौलत है दौलत खर्चना करे कंजूस है नहीं मेरे नबी फरमाया अल बकील अल्लज़ी मन ज़िक्र तू इंदहु फलम युसल्ली अलैह फरमाया कंजूस बंदा जिदे कोल मेरा ना लिया जाए तो मेरी जात ते दुरूद शरीफ ना पड़े सगदा फरमांदियां ने मेरा दिल कीता मैं रात नूं जागा आप फरमांदे ने चंद दी 14 तरीख सी चांदनी रात सी अद्धी रात का वेला होया मैं पंगूड़े च निगाह पाई ते मेरे आका आसमान वाल देख के मुस्करा रहे ने सगदा फरमांदियां ने मैं हैरान हुई कि अद्धी रात का टाइम ही ते किन्नू वेख के मेरा बेटा मुस्करा रहा है आप फरमांदे ने मैं गौर किया ते युदुल्ला का गोरा हाथ इस शहादत की उंगली जिधर जिधर जा रही है आसमाना का चन्न उधर उधर जा रहा है जिन्हों समय लगी वो तो सुभान अल्लाह कह रहा है तो जिन्हों हाले अपने इलम के उत्ते ना दे मैं गल गलत करा तो मैं पकड़ सकते हो असी गल गलत करनी कोई नहीं करनी सोने के वेड़े दी
सकदा हलीमा आप फरमांदियां ने कि मैं हुण जरा सरकार वाला हज़रत को पुछिए हजूर मेरा नबी महज अंदर पंगूड़े के अंदर तो जिधर मेरे नबी का इशारा जावे चन्न उधर फरमाया गल सीधी है आपां मिट्टी दे साडे खिलौने मिट्टी दे साडे खिलौने प्लास्टिक दे मेरा नबी नूरियां दा सुल्तान है अल्लाह ने यार दे खिलौने भी नूर दे बनाए ने इत शेख मुहक्क शाह अब्दुल हक मुहद्दिसदिलवी ने जिहड़ी गल कीती है हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत तो वह बयान करना मैं इधर क्योंकि मेरा मौजू नहीं मैं बात अर्ज कर रहा सगीदा फरमांदियां ने मैनू भुख भी लगती नहीं मेरी गवांढण उम्मे खौला कहन लगी नहीं हलीमा सारा दिन तू साडे च बैठी रहनी है तू घर पकाउंदी नहीं सगीदा फरमांदियां ने जिदन का सोना लैके आई हाँ उन्हें खाण पीन तो मैनू मुस्तगनी कर दिता है तुसी कहोगे मौलवी जी ये गल फन्ने खिताबत दे हवाला तो ठीक है हवाला की है मैं कहना अल्लाह दा कुरान पढ़ हजरत सैयदना यूसुफ अलैहि सलाम मिस्र दे हुक्मरान बने अल्लाह दे नबी अर्ज करते ने या अल्लाह मखलूक मेरे बूहे ते आ गई है ते गंदम पक्कन दे अंदर चार महीने बाकी ने या अल्लाह की करा रब फरमाया जबरील मेरे पैगंबर नू कह दियो अपनी कुर्सी जड़ी है ना मैदान दे अंदर जाके डा दियो लोगों नू इकट्ठा करके बगैर हिजाब तो अपना एक वरी मुखड़ा दिखा दियो या अल्लाह होएगा की फरमाया जो मुखड़ा वहाण गे ना चार महीने लोगों नू भुख लगनी नहीं ते किसी ने मियां साहब वादी कश्मीर दा शहजादा खड़ी दा कलंदर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला ले कोलो पूछे हजूर कि चार महीने लोगों नू भुख नहीं लगी इत यूसुफ अलैहि सलाम ने जिन्हें मेराज दी राती मेरे नबी दे मगर नमाज पढ़ी है ते फिर साडे नबी दा की मकाम है आप दे अखां चों आंसू आ गए मियां साहब फरमाया कमलियो तीन महीने रजी खलकत वेख यूसुफ किन्यानी ते जिन्ना मुहम्मद अरबी डिठा वो रजे दो ही जहानी सगदा हलीमा दी बेटी हजरत बीबी शीमा आप मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर और बीबी शीमा दा तज़किरा जिन्हें पढ़िया है जिन्हें सुनिया उन्हें पता है कि कैसा दर्दनाक है मेरे नबी ने दस्या लोगो पैना बूवे त्यावन थे पैना नाल प्यार किवें करना हजरत हारस मेरे नबी दे बूवे थे मेरे आका ने दस्या प्यो दे नाल प्यार किवें करना बाप की खिदमत किवें करनी है ते सगदा हलीमा दे वेड़े दी एक गल सुनाइए अगर दौक होवे ते अल्लाह दा कुरान पढ़िए अल्लाह फरमाए आलम यजीद का यतीमन फआवा क्या नहीं पाया महबूब आपको यतीम और अपनी आगोशे रहमत में जगह दी नबी दा बचपन है आलम यजीद का यतीमन फआवा क्या नहीं पाया महबूब आपको यतीम और अपनी आगोशे रहमत में जगह दी उलमा फरमाया आयत करीमा सगदा हलीमा दे हक दे अंदर नाजल हुई क्योंकि चार साल मदीने वाला सगदा हलीमा दे वेले खेलदा रहा यानी बचपन दे दिन गुजारे रिदात पाक दे दिन उथे गुजारे मेरे नबी दी उम्र हुई दो साल किन्ने बोलो हाथ खड़ा कर लो कोई गल नहीं नबी दी अजमत वास्ते करने ने दो साल मेरे नबी दी उम्र हुई कोई सियासी जलसा होवे ते बड़े बड़का मार मार के हाथ खड़े कर दे आ नबी दी इज्जत वास्ते बोलना कोई जुर्म नहीं मेरे नबी दी उम्र मुबारक हुई दो साल का बच्चा गल्ला नहीं करदा ये साढ़े बच्चे नहीं गल्ला कर दे लामा हलबी फरमांदे ने याद रखो तेरा मेरा बचपन और है नबी दा बचपन और है तेरा बचपन और मेरा बचपन और नबी दा बचपन और जिन्ना आपा या साढ़े बच्चे साल दे अंदर वधदे ने नबी महीने अंदर वधदा है असीं जिन्ना महीने च वधदे आ नबी दिनां च वधदा है पैगंबर का मुकाबला हो सकता नहीं गौर करना सकता हलीमा का बेड़ा नबी का बचपन हसूले बरकत वास्ते मैं सकदना कौसे पाक निशान के अंदर मिसरा पढ़ा जो सुल्तान अल-आरिफीन ने अपने वास्ते बोलिया अपने
वास्ते बलिया का शहनशाह अपने वास्ते जुमला बोल रहा थी, उन्हां दी शान विच बयान कर रहा थी, हजूर असीं तुहाडे दर दे नौकर आ। मेरे आका पूछन लगे, अम्मा मेरा वीर अब्दुल्ला किथे जांदा है? सगदा ने फरमाया, अज मौजू मैं तुहानूं मुकम्मल सुनाना है, ए मौजू तुहानूं मुकम्मल। सगदा हलीमा ने मेरे नबी नूं सीने दे नाल लाया, अंदाज चुकना चेक करना मां दा, हर फुल दी किबला कारी साहब आला दा खुशबू है। सगदा हलीमा दा ए वेड़ा उलमा ने बयान फरमाया है, बड़े बड़े अकाबर उलमा ने बयान फरमाया है, लेकिन मैं ते उलमा दे जोड़े सीधे कर ला। सुल्तान बाहू फरमाया, ना मैं आलिम ना फाजिल ना मुफ्ती ना काजी हूँ, ना दिल मेरा दो तख्ते ना शौक बहिश्ती राधी हूँ, ना मैं त्रिये रोदे रखे ना मैं पाक नमादी हूँ, बाज विशाल अल्लाह दे बाहू दुनिया कूड़ी बाजी हूँ। सगदा हलीमा ने मेरे नबी नू सीने नाल लाया, फरमाया, मेरे मक्की बेटे तेरा वीर जंगल च जानवर चरान गया है, अम्मा मेरा भी दिल करदा है मैं भी जंगल च जावां। सगदा फरमाया, अब्दुल्ला जी अम्मा, फरमाया अपने वीर नू लै जा ते तुप्पे ना फिरन देवी, अम्मा जी जिवें तेरा आर्डर है। फरमाया, पुत्र जंगल दियां तिन्ना नुकरां च जाना, चौथी नुकर दे अंदर भी ना जाना। अम्मा क्यों? फरमाया, उत्थे जंगल दे शेर रहंदे ने, उत्थे जंगल दे दरिंदे रहंदे ने। कमली वाले आका इमाम उलंबिया दा कलमा पढ़ने वाले हो, सारा दिन मेरे आका जंगल दे अंदर, सारा दिन मेरे आका जंगल च बकरियां चरा रहे ने। हुण इत्थे गल मैं तेरी नजर और मुहब्बत करना चाहना वा। अज दे दौर अंदर जेड़ा बंदा गल करे कि नबी ने बकरियां चराइयां ते मैं चराइयां ते कादा फर्क रह गया, उस बंदे नूं लामा हलबी सीर ते हलबी अंदर फरमाया, उस बंदे नूं शर्म दिलानी चाहिए है। नबी दा बकरियां चराना नबी दी आजदी दी दलील है, साडा बकरियां चराना साडी गरीबी और मोहताजी दी दलील है। एक गल करना भी जायद नहीं, अदब दे खिलाफ है। सारा दिन मेरे आका जंगल दे अंदर, असर दा वेला लंघिया, सगदा फरमांदियां ने मैं मावां ते मावां दे कलेजे नरम हुंदे ने। सगदा फरमांदे ने मैं चुरस्ते ते आके इंतजार कर रही हां, इधर यारा जंगल दे विच बकरियां जा रे, अते पाक रसूल प्यारा ओ फिकरा विच हलीमा दाई, अते गुजर गया दिन सा लीमा फरमा दिया लोगों मैं चुरोते आके इंतजार भी कर दिया, कदू कमली वाले आका इमाम उलंबिया आन गए, इधर आका इमाम उलंबिया की जलवा करी हुई। सगदा फरमा दे रबे काबा की कसम है, मैं वेख्या नूर दिया लाटा मेरे आका दे नूरानी मुखड़े विचों निकल के आसमान दे वले जांदियां पईयां ने। सगदा फरमाया, जदों आका इमाम उलंबिया मेरे करीब आए ने, मैं मुँह मत्था चुमके सीने दे नाल लाया, मैं कहा मेरे मक्की बेटिया जंगल दे अंदर कैसा महसूस होया जे? अम्मा अलहम्दुलिल्लाह बड़ा लुत्फ आया, बड़ा सुकून आया, बड़ा सुरूर आया। एकदम फरमाया, मैं अब्दुल्ला तू बयान कर, तेरा मक्की वीर किते परेशान से नहीं होया? अम्मा तिनू की दसा, तेरे मक्की बेटे दी बड़ी शानी है, अम्मा तेरे मक्की बेटे दा बड़ा मकाम है। वे अब्दुल्ला बयान कर की शान है, अम्मा मैं पहले भी जंगल दी अंदर बकरियां लेके जाना था, अम्मा सारा सारा दिन दे तुप दे गर्मी दी शिद्दत बर्दाश्त करता था, लेकिन अम्मा अज मैनू गर्मी का पता नहीं हो चलिया। वे अब्दुल्ला बयान कर की होया वे? अम्मा मैं वेखिया सूरज अपनी आप दे अंदर चमकदा पिया वे, जदों मेरे आका ने कदम चुकिया मैं वेखिया राई तू गुमा मतन तदुल्लो, अम्मा एक बदल का टुकड़ा आया वे जिन्हें आन के साडे ते साया कीता वे। अम्मा जदों मेरा मक्की वीर टुरदा है ओ बदल का टुकड़ा भी टुरदा है, जदों मेरा मक्की वीर रुक जांदा वे ओ बदल का टुकड़ा भी रुक जांदा वे। अम्मा वईदा वाकफा वाकफा, अम्मा जदों मेरा मक्की वीर रुकदा
वे ओ बदल दा टुकड़ा भी रुक जाता वे अम्मा जदों मेरा मक्की वीर चलता है बदल दा टुकड़ा भी टुर पैंदा वे अम्मा वईदा सारा सारा तमागो अम्मा जदों मेरे मक्की वीर दा कदम पत्थरां दे उत्ते आउंदा वे पत्थर आटे दी मनंद नरम हो जांदे ने जदों मेरे मक्की वीर दा कदम जमीन दे उत्ते आउंदा वे अम्मा ओ तो शब्द उग आंदा वे अम्मा ला यमर वाला शजरिल वाला हजरिल इल्ला सल्लमा अलै अम्मा कोई पहाड़ ऐसा नहीं दा अम्मा कोई दरख्त ऐसा नहीं दा जिहड़ा मेरे मक्की वीर दी बारगाह दे अंदर अम्मा दुरूदो सलाम दे गजरे पेश ना करदा होवे हर टीले विचो आवाज आउंदी है हर दरख्त दे विचो आवाज आंदी अस्सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह नबी दी इज्जत मां ते आका इमाम उल अंबिया दा मिलाद मनाण वाले हो मेरे वीर अल्लाह तेनु सलामत रखे अल्लाह तेरी जबान नु सलामत रखे थोड़ी देर तो बाद नारा मारन दा मौका भी देवांगे आओ कमली वाले आका इमाम उल अंबिया दा कलमा पढ़न वाले हो हुण तुसी मौजू समात करना मेरे आका दे गुलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाले बारिक सलाम दे गुलाम हो एक दाली मन मेरे नबी नु सीने नाल लाया फरमाया मैं अब्दुल्ला फिर की होया अम्मा होना की है पहला मैं बड़ी मुश्किल दे नाल अम्मा मैं रस्सी लमकाना डोल लमकाना अम्मा मैं डोल लमका के पानी कढ के अम्मा मैं जानवरां नूं पानी पिलाना वा लेकिन अम्मा अज रस्सी लमकाण दी लोड़ नहीं हो पई अम्मा मैनूं डोल लमकाण दी लोड़ नहीं हो पई ओए अब्दुल्ला जानवरां नूं पानी किवें पिलाया ई अम्मा इदा जा अम्मा जी दो कूदे किनारे ते मेरा मक्की वीर आया वे अम्मा मेनू डोल लमकाण दी लोड़ नहीं हो पई पानी मेरे मक्की वीर नूं वेख के अम्मा अपने आप उत्ते आ गया है दाली मां फरमाया वे पुत्रा फिर की होया अम्मा होना की है तू तां फरमाया सी जंगल दिया तिना नुकरां दे अंदर जाया जे चौथी नुकर दे अंदर ना जाया जे क्योंकि उत्ते जंगल दे शेर रहंदे ने उत्ते जंगल दे दरिंदे रहंदे ने लेकिन अम्मा बकरियां उधर जांदियां ने जिधर जंगल दे शेर रहंदे ने इधर जंगल दे दरिंदे रहंदे ने फरमाया वे पुत्रा तू मुड़िया क्यों ना अम्मा हर गल जानवर तेरे मक्की बेटे मोहम्मद करीम दी गल मनदियां ने ओ यारा जानवर क्यों उधर ना जावन ए जानवरां नूं पता है अज साडे नाल कोई आम बंदा नहीं रहा ए 2 साल दा बच्चा जेड़ा वे ते सिदरा दा रागी है ए ते रब दा मागी मोहम्मद करीम है सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व बारिक वसल्लम हिदाली मां फरमाया वे पुत्रा फिर की होया अम्मा होना की है कमली वाले आका इमाम उल अंबिया एक टीले ते बैठे होए ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाले बारिक सल्लम एक पत्थर दे उत्ते बैठे होए ने अम्मा मैं जंगल दे अंदर जानवर चराना पिया वा अचानक झाड़ियां दे विचों अम्मा एक बब्बर शेर निकले आवे अम्मा जदों मैं जंगल दा दरिंदा वेखिया अम्मा जदों मैं जंगल दा शेर वेखिया अम्मा मैं डर के चीख मारी है जदों मैं डर के चीख मारी है गौर करया जे सादरे दे रहण वाले हो मेरे नबी दे दीवाने परवाने मस्ताने हो मेरे आका दी उम्र मुबारक 2 साल है मेरे आका ने वदुहा दा मुखड़ा मोड़िया मेरे आका फरमाया ओए अब्दुल्ला मेरे खुंदिया भी रो रहा है मैं तेरुंदिया नु हसाण आया वा मेरे खुंदिया भी रो रहा वे मेरे खुंदिया भी रो रहा वे मैं तेरुंदिया नु हसाण आया वा एक दाली मां फरमाया वे पुत्रा फिर की होया अम्मा मुड़ा की है मेरे मक्की वीर ने क्या वीरा रोला मेरे खुंदिया भी रो रहा वे मैं तेरुंदिया नु हसाण आया वा मैं क्या वीरा मैं रोवा क्यों ना ओ सामने वेख जंगल दा शेर आ गया वे हुन बकरियां भी खा जाएगा मैं ते तां रोना पिया वा जे वीरा तानू कुछ हो गया मेरी मां हलीमा ते जींदे जी मर जाएगी मेरे आका ने मुस्करा के जुमला सुन दरा मेरे नबी दी उम्र मुबारक 2 साल नबी दा मिलाद मनाण वाले हो मैं ताए पाए दी गल्लां नहीं करंदा दी इको गल सुनावांगा क्योंकि यार अज इको गल सुनंदा या दी
ताकि तेनों पता चल जाए नबी का मिलाद है की है। नबी दी रिदात पाक दा जिक्र सुनने वाले आ, नबी दे बचपने मुकद्दर दा तज़किरा सुनने वाले आ। हकदालीमा फरमाया वे पुत्रा फिर की होया, अम्मा होना की है मेरे आका इमाम उल अंबिया ने फरमाया वीरा रोना ओए शेर दी की मजाले ओ टिडिया करके साडे वल्ले वेखे क्योंकि शेर जानदा है ए दो साल दा बच्चा जेड़ा वे रब दा महबूब बन के आया है। तगदानी मां फरमाया वे पुत्रा फिर की होया, अम्मा होना की है जदों जंगल दा दरिंदा आया बकरियां डर के मारे दौड़ियां। उलामा तशरीफ फरमाने बाद बड़ी बड़े जिम्मेदार नाल अर्ज करना चाहना वा मेरे वीरो कमली वाले मेरे नबी नु गोदी दे अंदर बिठाया होया वे फरमाया वे अब्दुल्ला बयान कर मेरे मक्की चल दी की शान की मकाम की शान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली बारिक सल्लम दे गुलाम हो लगदा नी मन जदों जुमला सुनिया में लगदा फरमांदियां ने बेटा बयान कर अम्मा तेनू की दसा तेरे मक्की बेटे दी बड़ी शान है, अम्मा तेरे मक्की बेटे दा बड़ा मकाम है। अम्मा जदों जंगल दा शेर आया वे बकरियां डर के मारे दौड़िया ने एक बकरी दी लत उत्ते दरब आ गई है। काजी सनाउल्ला पानी पत्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीरे मजरी दे अंदर नकल फरमाया, लामा अब्दुल रहमान सफूरी ने नुजातुल मजालत दे अंदर नकल फरमाया, मुल्ला मुइनुद्दीन काजमी ने मारजुल नबूवत दे अंदर नकल फरमाया वे अगदा फरमाया वे पुत्रा फिर की होया, अम्मा जदों जंगल दा शेर आया वे अम्मा बकरियां डर के मारे दौड़िया ने एक बकरी दी लत दरब आ गई है। पंजाबी जे विच ते बकरी दी लत टुट गई है। लगदा फरमाया मैं पुत्रा जानवर ते सारे ठीक आए ने, अम्मा जी पूरी गल सुनिया जे ओ बकरी डिगदी ओ टैंदी लंगड़ा दी होई मेरे आका दे दरबार गौरबार दे अंदर आई है। उलामा तशरीफ फरमाने ओ जानवर हो के चार लताला ओ ते डिगदी टैंदी मेरे आका दे दरबार नबूवत अंदर आई है। मेरे नबी दी उम्र मुबारक 4 साल, लोकी कहंदे नबी नु 40 साल बाद पता चलिया वे, मैं कहना कमले आला ना नबी दुनिया ते आण के नबी नहीं बणदा जे, नबी आसमाना तो बन के आउंदा जे, नबी दुनिया ते आण के नबी नहीं बणदा जे, नबी आसमाना तो बन के आउंदा जे। ओ जानवरों के नबी दे दरबार अंदर, नबी दे दरबार गौरबार अंदर आकर करदा है तबीबे ज़माना ए हकीमे कायनात, होने आ मैं दर्दा दी मारी आका तेरी बारगाह दी अंदर आई आ। जे मैं पंजाबी तर्जमा करा तेज बनदा वे आका खुले बूए वेख के तेरे तबारे छोटे छोटे गोरे गोरे हथा बकरी दी लत बड़ी फका बदल करी मेरी आका ने नबूवत छोटे छोटे गोरे गोरे हथा बकरी दी लत पड़को दे मकाम ते रखे फका जो अलम यकुन मेरे आका फरमाया दौड़ जा तू ते चंगी बली है। लगदाली मां ने मेरे नबी नु सीने दे नाल लाया कह लगे ऐ मोहम्मद अरबी दुनिया च बड़े बड़े सोहने इंसान वेखे ने पर तेरी शान वर्गा जिक्र मैं वेखिया कोई नहीं रहा। ए अम्मा हलीमा तू वेख दी किवें जदों रब ने यार दा सानी बनाया कोई नहीं रहा। ए अम्मा हलीमा साडा ते सुनिया दा अकीदा है अल्लाह ने ओ कलम तोड़ दित्ती है जिदे नाल यार दा नक्शा बनाया
ए अमालिमा पूरी कायनात अंदर बड़े बड़े सोने इंसान आवणगे कयामत घर आउंदे रहणगे लेकिन माया मीना दे लाल वरगा अब्दुल्ला दे दुर्रे यतीम वरगा सिद्दीक दे यार वरगा उमर दे मौला वरगा उस्मान दे दाता वरगा अली दे वीर वरगा फातिमा दे बाबे वरगा हसनैन करीम दे नाने वरगा अम्मा ना कायनात को सोना आया है ना कयामत कराए क्योंकि ओ दे हुसैन दिपात की पुछने ओ दे सोने सोने ओए गो सूरत नबिया ओ सोना बोले या ना ओए बोले ओए तू तड़कीदा ओए ओ सिते करी ले जेड़ा तेरे हैब न बोले ओए फुल किड़ी देने ने आजियों दो ओए सोना जी दो लबानू ओए खो मेरे नबी नु चुमिया ते सीने दे नाल लाया फरमाया मेरे मक्की लाल किधर दियां तैयारियां पे करदा वे अम्मा कल बड़ा लुत्फ आया बड़ा सुकून आया बड़ा सुरूर आया लगदा फरमाया वे पुत्रा दस की कहना जाना वे अम्मा मैं जंगल दे अंदर फिर जावांगा जानवर चराण जावांगा लगदा फरमाया वे पुत्र तू जंगल दे अंदर नहीं जाएगा अम्मा जी गल की है फरमाया तेरी सारा सारा दिन दी जुदाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकदी पुत्र पता नहीं तू ते टाइम ते खाना या नहीं पींदा पुत्रा मैं ते सारा सारा दिन दी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकदी मेरे आका इमाम अंबिया ने जुमला सुनिया मेरे नबी मुस्कुरान लग पे मेरे आका फरमाया ले अम्मा जे तेरा याद रे अम्मा जे तेरा हुक्म है अम्मा जे तेरा इज़्ज़त ले मैं जंगल दी अंदर नहीं हो जांदा ओए किताबां दी अंदर आउंदा वे मेरे आका जंगल दी अंदर एक दिन जानवर चराण नहीं गए मेरे आका दूसरे दिन नहीं गए मेरे आका तीसरे दिन नहीं गए चौथे दिन सिद्द हलीमा दा बेटा अब्दुल्ला आया वे आण के दारो कतार रोई जांदा वे आण के दारो कतार रोई जांदा वे अगला फरमाया वे अब्दुल्ला रोना क्यों वे अम्मा मैं रोवा क्यों ना अज जंगल दे विचो शेर ने साडा ओ जानवर चुकिया वे जिदा दुध मेरा मक्की वीर मोहम्मद करीम पींदा दी जदों सगदा दी मां सुनिया ते अखां विच आंसू आ गए रोण लग पईया ने इधर मेरे आका इमाम अंबिया ने वेखिया मेरे आका दौड़ के अपनी मां दी गोदी दे अंदर आए ने नौजवानों इत्थे ते बैठे आ देखो मेरे नबी ने प्रैक्टिकल करके दसिया वे मेरे आका ने दसिया लोको मावां नू रोण ना दिया जे बापा नू रोण ना दिया जे अगर मां दे पैरां थले जन्नत ते जन्नत दा दरवाजा रब ने बाप नू बनाया वे जिन्ना मां दा दर्जा है ओदे नालों वध बाप दा दर्जा है क्योंकि मां दे पैरां थले जन्नत जे लेकिन मां दी जन्नत बाप दे पैरां थले जे आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी कलंदा कलमा बनवा लियो ए गल मैं लामा साहब कोलों सुनी है बाबा जी कोलों
ਹੋਈ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੇ ਬਾਰਿਕ ਸਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਇਹ ਗੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਬਾਪ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਮਾ ਜੰਨਤ ਗਵਾ ਨਾ ਰੁਕਾ ਲੋਕਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮਾਪੇ ਜੰਨਤ ਵੀ ਜੇ ਮਾਪੇ ਦੋਜ਼ਖ ਵੀ ਜੇ ਮਾਪੇ ਜੰਨਤ ਵੀ ਜੇ ਮਾਪੇ ਦੋਜ਼ਖ ਵੀ ਜੇ ਹਜ਼ਰਾਂ ਤੇਰੀ ਵਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੌਦੂ ਸਰਦ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਹੁਣ ਆਓ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਇਮਾਮ ਉਲੰਬੀਆਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨੱਲੇ ਨੱਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਖਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਰੋਣਾ ਮੇਰੇ ਖੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਆਵੇ ਅੱਜ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵੇ ਕੱਲ ਦੂਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਪਰਸੋਂ ਤੀਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਦਾਨੀਮਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈਆਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਿਸਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਸ਼ਮਾ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਖੋਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਖੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੌਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਮਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਮਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏਗਾ ਉਲਾਮਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਹਲੀਮਾ ਤੇਰੇ ਬਖਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਮਾ ਅਰਸਲਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕਈ ਮਾਮੂ ਲੰਬੀ ਹਾਲਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਲਗਦਾ ਨੀਮਾ ਜਦੋਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਪੈ ਨੇ ਅੰਮਾ ਰੋਣਾ ਅੰਮਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਗਦਾ ਨੀਮਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਗਰੀਬਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਆਇਆ ਉਮਰ ਸ਼ਾਦਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜੋਗੇ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਫਿਰਔਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਆਪਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਹਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲੀਮ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਜੇ ਇਹ ਨਿਗਾਹੇ ਕਲੀਮ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦੀ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾਲੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਮਿਲ ਉਮਤੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦੋ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਉਮਤੀ ਬਣਾ ਛੱਡ ਦੋ ਉਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਕਮਾਲ ਇਧਰ ਹਬੀਬੇ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਕਾਦੀ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਜੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਲੌਲਾ ਕਲਮਾ ਖਲਕਤੁਲ ਅਫਲਾਕ ਲੌਲਾ ਕਲਮਾ ਖਲਕਤੁਲ ਅਰਦੀ ਲੌਲਾ ਕਲਮਾ ਖਲਕਤੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਲੌਲਾ ਕਲਮਾ ਹਰਤੁਲ ਰਬੂਬੀਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਸਜਣਾ
मैं तुनू पैदा ना करदा, ना मैं आसमान बनाऊंदा, ना मैं जमीन बनाऊंदा, ना मैं कायनात अंदर वादियां ए पर्वत ए पहाड़ ए जमादात ए नहरा ए दरिया मैं कुछ भी ना बनाऊंदा। अल्लाह फरमांदा मैं अपना रब होना भी दाखिल ना करदा। ओ सजना जे तेनू पैदा ना करदा, जे सजना तेनू पैदा ना करदा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम इधर सजदे हलीमा जड़ियां ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गल दूर ना चली जावे, ओ मौजू दियाना जाना वा सजदा रो रहियां ने, मेरे नबी नू जलाल आया जलाल आया। बोलो उम्र किन्नी है? 2 साल। हज को मेरे नबी दी उम्र किन्नी है? 2 साल। सजदा ली मन मेरे नबी ने फरमाया अम्मा रोना बंद कर दे, अम्मा सुबह दा सूरज निकल लैण दे, अम्मा जंगल च मेरे नाल चलिया जे, मैं शेर ते तुनू बकरी वापस लैके देवांगा। एक ला यारा केसां दी रिकॉर्डिंग नहीं जे, ए जो मैं पढ़िया मैं ओ बयान करदा वा, क्योंकि मेरे किबला शेखुल हदीस मुहद्दिस कसूरी मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी शरीफी रिज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह दा ए फैज़ान ए वे, क्योंकि आपने फरमाया पुत्र मेहनत करनी है मेहनत करनी है मेहनत करनी है। हजूर गौसे पाक दे दरते मलंगा उन्हां दे दरते नौकरा, मैं अपना तारफ भी करा चुकिया वा, किसी ना आलिम ना फाजिल ना मुफ्ती ना काजी हो, क्योंकि साडे शेख फरमांदे ने पुत्र जिन्ना नियोगे जिन्ना झुकोगे अल्लाह उन्ना ही भाग लाएगा। क्योंकि दरवेज कहंदे ने फकीरा होर ने ओ फकीरा होर ने ओ फकीरा होर ने ओ, जिन्ना नीवा होएगा अल्लाह तेनू ओनी इज्जत देता जता फरमाएगा, ते जिन्ना आकड़ा कड़के पवेगा ओनी छित्र ज्यादा पैणगे, ओनिया यारा जलालतां ज्यादा मिलनगियां। कदी अदब दे अंदर आके वेख जरा, क्योंकि मिट्टी नू अक्सीर बनावे अते वाह वाह बात अदब जी, मिट्टी नू अक्सीर बनावे अते वाह वाह बात अदब जी, अदब मुराद ते अदब हुजूरी बड़ी उच्ची दात अदब जी, अपना आप गवाया बाजो न मिले खैरात अदब दी, आदम सानू मर के हासिल होई ए सौगात अदब दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाले बारिक सल्लम दा कलमा पढ़वा ले, ओ मेरे आका ने फरमाया मां रोना बंद कर दे, अम्मा सुबह दा सूरज निकल लैण दे, अम्मा जंगल च मेरे नाल चलिया दे, मैं शेर तो तोड़ी बकरी वापस लैके देवांगा। सजदा लीमा ने जुमला सुनिया किबला कबीर साहब सजदा फरमांदियां ने पुत्रा की पै कहना में, कदी जंगल दियां शेरां वी चीज़ां वापस कीतियां ने, कदी जंगल दियां दरिंदियां वी चीज़ां वापस कीतियां ने, मेरे आका फरमाया अम्मा वाकई कदी जंगल दियां शेरां ने चीज़ां वापस नहीं हो कीतियां, लेकिन अम्मा जिन्हां दे मालक दिंदा होण, अम्मा जिन्हां दे साईं दिंदा होण, अम्मा जिन्हां दे वारस दिंदा होण, उन्हां दियां बकरियां जंगल दे दरिंदे नहीं हो खा सकदे। खाजा गुलाम फरीदपुर मिठण दा ताजदार आपने जदों वाक्य दा मुतालिया फरमाया, मेरे आका फरमाया अम्मा जिन्हां दे साईं जिन्हां दे मालक दिंदा होण जिन्हां दे वारस दिंदा होण, उन्हां दियां बकरियां जंगल दे शेर नहीं होका सकदे। खाजा गुलाम फरीद ने कलम चुकिया आप फरमाया अमला वाले डुबण ना
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मां सुबह दा सूरज निकलण दे जिदा एडा सोहना नबी होवे मेरे नबी फरमाया आना गया सुलेमान अक्सर सलात अलैया फरमाया मैं उस बंदे दी मदद करता रहना जरा मेरे ते और हजूर बहुत पाक सरकार फरमाया कि मैं मशरक च हां ते मेरा मुरीद मगरब च होवे मैनू बुलावे मदद वास्ते ते मैं उहदी दस्तगीरी करना। असीं कितों बणने असीं ते कहने आ पीर फड़ छड्डिया वैसे सदके जाने आ बुलाइए ते मुल्तान जाने आ इंज नहीं मजा। जे अगर अकीदा होएगा ना साडा अकीदा है कि हजूर में पहले तकरीर की है मैं हूँ मैं तुम्हें नाल मिलाना है कि क्योंकि मेरा तारफ सी तारफ से मैं रुकिया नहीं जिन्हों शेर याद हो जाए तो आप टुर पाँगे नहीं तो सारी रात आप याद करते रहने अगर तो तुम बहुता बहुता यह करोगे मौलवी ने सदना नहीं ना सद्या जाए मिल के तरह मुहब्बत नाल बोलो हुजूर मेरी तो सारी बहार जींदे रहो हुजूर मेरी तो सारी बहार नबी जी रिदात पाक दा जिन्हें तज़किरा जिन्हें टोट के सुनी होना गल ही समय लग सकती जिन्हें एक तसलसल नाल एक मौजू समाध कीता होवे पता चलता है कि नबी दे घर तो लैके सकदा हलीमा तो विड़ तो वापसी तिकर गल्ला है कि नहीं तो जिन्हें एक टुट के सुनी होना उन्होंने की पता होना मसलन की गल जाती किधर नू पई है ऐत पड़ी कद जाग को मिन अल्लाह नूर ते टुर पे बशर वाले टुर पे मौजदात वाले ऐ नहीं गल गल लो वे जड़ी तसलसल नाल पिया एक गल शुरू की वो अंदर ही आपको तो मुकम्मल करना है वह गल भावें पंजा मिनटा च मुक जाए तो भावें पंजा घंटे च मुक जाए ताडे उत्ते आ हाँ ये ताडे उत्ते आ सुबह का सूरज निकलिया मेरे आका फरमामा तेनू पता है जिस शेर ने साडा जानवर कितों चुके है सगत हलीमा परेशान सी फरमाया पुत्र तेरा वीर अब्दुल्ला जानदा मेरे नबी फरमाया अम्मा चलो मेरे नाल मैं तुहानू थोड़ा जानवर वापस लैके देव नबी दे इस कमाल उत्ते अगर चुप रखनी है तो कैसे तरह देने ये तेरे नबी का कमाल है तो जिन्हों अल्फो बेनी आदि छिबियां देंदे वाह 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 जिन्हों कख भी नहीं आता
ये तेरे नबी दा कमाल है, इख्तियारात है तेरे नबी दा, इल्मे गैब है तेरे नबी दा, तू किधर लभदा फिरना? तेनू कहिंदे ने बुखारी च वहा, ते मैं कहना खुदा की कसम बुखारी च वहा दिने, हुणे वहा दिने, तू मनण वाला बण। दिन मुकर्र करना भी मेरे नबी की सुन्नत है, बुखारी मुस्लिम मुत्तफक हदीस, कोई बंदा नहीं कह सकता मखलूब है मौदल है मुदरत से मानन, कोई नहीं कह सकता। असीं कहने हुण असीं नमाज पढ़न लग पए आ, बस किसी तरीके ना इंज करके नूर दी इंज करके किरण जिहड़ी ना साडे दिल ते वरद हो जाए, साडे कलब ते, ते असीं वली बन जाइए। असीं इह चाहुंदे, इंज नहीं हुंदा, नाले चुगलियां करनिया नाले वली बनना, नाले गीबतां नाले हसद करना नाले वली बनना। वली बनदा है जदों अंदरों, बाबा सुल्तान साहब फरमांदे ने इहो नफ्स है साडा बेली, जे साडे नाल सीधा हो, ये नफ्स दे अंदर हर चीज है, लेकिन इहनूं सीधा रखना पैगा। मैं बात अर्ज कर रहा था, मेरे नबी फरमाया अम्मा, एक जुमला हो कि मेरे नबी अपनी मां दे रोन नूं बर्दाश्त बचपन च भी कीता। मेरे नबी ने दस्या लोको मापियां नूं रोन मापियां नूं खुश रखना, मां बाप की खिदमत करना। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के जिते फरमाया ना, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू, मेरी बात करो मैं ना किसी शरीक ना ठहराओ, ते नाल जिहड़ा जुमला बोले वो बिल वालिदैन इहसाना, वह मापियां की खिदमत। यह नहीं लिखिया कि पीर की खिदमत कर तो जन्नत मिल जाएगी। अज लोग पीर को बड़ा मानते हैं, मां बाप को नहीं मानते। मैं पीरां दा मानना वा, यह पटका मेरे मेरे गलती हजूर गौसे सकलैन दे यानी कि नौकरा विचों आ, असीं खुद बैत हाँ, लेकिन मैं कहना जिहड़ा पीर हुंदा है ना, वह तो अपने मुरीद नूं कहिंदा है कि सुन्नत तरीके नाल चल। कई बंदे जिहड़े ने वो कहिंदे ने मौलवियां दा तां शरीयत दा साडा जोड़ ही कोई नहीं, बस ना रोज़ा ना नमाज, कोई बात नहीं तू साडा मुरीद हो गया तैनूं जन्नत मिल जाणी। तौबा 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 तौबा। 1,24,000 कमों पेश मेरे नबी दे गुलाम हुए, दसो किसे नूं मेरे नबी दा इख्तियार भी है। मेरे आका ने किसे नूं क्या होवे कि नमाज ना पढ़ी? हाँ यह जुमला जरूर मिलता है कि किसी ने अर्ज की लजपाला मैं सारियां नहीं पढ़नियां, तीन पढ़नियां ने। मेरे आका फरमाया चल तीन पढ़ पढ़ सही, माफी नहीं दी। ते मेरा नबी मुख्तार कोले कह भी सकता है, सूरा हज अल्लाह का कुरान कह रहा है, वज तानी बुखौला सूर, झूठ ना बोलना। लेकिन मेरे नबी को सहाबा ने जात मंगी जो मुसलमान कि सोने असं कतल कर देने लेकिन झूठ बोलने की इजाजत दे दो, कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। रब का कुरान कह रहा झूठ नहीं बोलना, सूरा हज झूठ नहीं बोलना। मेरे नबी ने फरमाया जा तेनू इजाजत है। इतने बंदे मुंह फाड़ फाड़ कहते हैं देखो जी नबी को इख्तियार ही नौजबुल्ला कोई नहीं, ते जरा मैं तेरे सामने पढ़े है अपने कोलों गल कर रहे हैं। बुखारी शरीफ पढ़ हजरत जाबर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 416। अपने जाबर फरमाते मेरे को ऊंट सी, जंग ते जा रहा सरकार दे नाल, मेरा ऊंट बड़ा कमजोर से मैं पैदल चलना पिया, पिछों मेरे नबी की सवारी साहबा अगे लंघ है। मेरे आका फरमाया जाबर तू क्यों पैदल चल रहे हैं? लजपाला मेरा ऊंट बड़ा कमजोर है। फरमाया असी ताकतवर बना देने। सहाबी रसूल ने कुरान किते कोल पढ़िया? बोलो अपने आप अपने नबी को कह सकते सन इया कना बुदुवाई या कनस्ताइन, सोने ताकत ते रब देंदा, कह सकते सन। सहाबी रसूल दी इस कुरान दी आयत ते भी निगाह सी, ते इस कुरान दी आयत ते भी निगाह सी, इन्ना मा वलीयुकुम अल्लाह व रसूलुहु। लोगो मैं भी थोड़ा मददगार हाँ, ते मेरा रसूल भी ताड़ा, जिन्हों मेरी गल समय लगती पी उधर बोलेगा, मैं भी मददगार हाँ, मेरा रसूल भी ताड़ा। सहाबी रसूल चुप, मेरे आका फरमाया जे कमजोर है ताकतवर बना देने, जे सुस्त है तेज कर देने। सहाबी रसूल चुप, लजपाला फिर कर दियो। मेरे नबी ने छड़ी मुबारक इंज करके उठन लाई, बुखारी शरीफ है, फरमाया सुस्तियां छड़ दे तेज हो जा। हजरत जाबर फरमाते ने कि मैं मेरे नबी इन्नी गल कह के अगे चले गए,
आप फरमाते ने मैं छाल मारी ते ऊंट ते सवार हो गया। क्यों? उन्हां दा कीदा है आका तेरे मुंह जेड़ी गल निकली वह तीरे जेड़ा तू इशारा करे ओह तकदीर। साहबी उत्ते आप फरमाते ने सारे सहाबा दियां सवारियां नूं क्रॉस करके ना इधर वेखना सारे सहाबा दियां सवारियां नूं क्रॉस करके हजरत जाबर फरमाते ने मैं आका दी सवारी दे बिल्कुल करीब पहुंच गया मैं वागा खिचियां कि अगे ना मेरी सवारी चली जाए बेअदबी ना हो जाए। मेरे नबी ने इंज करके चेहरा मुबारक फेरिया फरमाया कई फाता रहा भाई रखा जाबर सुना तेरे हुण दा की हाल है। यार दा इम्तिहान लैण वास्ते मेरे नबी ने फरमाया इहनू किवें तेजियां मिल गईयां। अर्ज कीती सोहणिया कदा साहबा तो बरकत का लजपाल किवें ना मिलदी इहनू सोहणिया तेरी बरकत मिल गई है। सहाबी रसूल कह रहा सोहणिया तेरी बरकत मिली है। बरकता कौन देंदा है बोलो अल्लाह बरकता कौन देंदा है। सहाबी कह रहा सोहणिया तेरी बरकत मिल गई है। दसो शिरक कीता थोड़ी जी गल होंदी है मौलवी साहब ने वक्ता पा देना है ते मौलवी साहब तनखा किन्नी है जी 8000 रुपया 8000 रुपया मौलवी ने देने असी ते मौलवी साहब हवाला देंगे अपनी असाकर दा। मौलवी साहब उस किताब का हवाला देवन जी 40000 की आँदी है उन्हें फिर 5-6 महीने टाइम भी दिया करो ना कि तनखावा जोड़ के खावे ना सिर्फ किताबा ही खरीदे। इस गल तो भी कभी गौर कभी किया कभी मैं हॉस्पिटल थोड़े जान इतफाक होया वे तो उत्थे ना अलग अलग वार्ड बनी है ये कैंसर दी है ये हड्डी जोड़ दी है ये नक कन गले दी अलग अलग डॉक्टर ने हुण साढ़े मौलाना साहब की एक कैसी पोजिशन है ऐ नहीं इतों की गल साडे इमाम साहब जी मुनाजरा करनगे वाबिया नाल मुनाजरा करनगे दियोबंदियां नाल मुनाजरा करनगे शिया नाल ते मौलवी साहब की तनखा कि 8000 कि तनखा वो किताबा दे कोल कोई नहीं तू कहां दे मुनाजरे कराउंदा फिरना। सब तो पहलो इब्तदाई गल्लां नूं समझ अपने उलमा की खिदमत नूं समझ जदों तू नेकी समझ के उलमा तशरीफ फरमाने जे मैं गलत बोला तो मैनूं कह सकदे ने मौलवी साहब तुसीं गलत बोल आलमे दीन होवे उहदे बूहे ते जाना ते आना एक साल की इबादत का सवाब रब अता करदा है। मेरे नबी फरमाया मन जारा आली मन फकान ना मजारा नहीं जिन्हें आलमे दीन वेख्या उन्हें मैनू वेख्या जिन्हें आलमे दीन ना मुसाफा किया उन्हें मेरे नाल किया। असीं नूं पता की करने हैं असीं कहने कि असीं फैसला करांगे किहड़ा वड्डा मौलवी है। याद रखो हजरत ख्वाजा बाजी बुस्तामी रहमत अल्लाह दे वली हुंदे कुछ शक है वे सारे बोलो जरा आप दे दौर दे अंदर होया की है रोजिया दे दिन सन ते दुनिया दौड़ी अल्लाह दा वली आ गया आपने जेब च रोटी कढ़ी ते खाना शुरू कर दी रोज लोग साढ़े वर्गे दौड़ गए उन्हें कहा साढ़े वर्गे असी तो नहीं कहते लेकिन कई दौड़ गए अभी तो वलिया के मनन वाले हाँ उन्हें कहा एक वली है इन्हें तो रोजा ही नहीं रखिया उन्हें एक के बदले 60 रख लिया उन्हें कहा दुनिया को जान छड़ाओ है फारा अदा कर लाँगे तो लगातार रखांगे ये गल उची कहो एक बार सुबहान अल्लाह जरा नबी की इज्जत नहीं करता उन्होंने क्यामत वाले दिन आपे पता चलना। मियां साहब फरमाया के कदर घटाव ते ना शर्मा अते शर्मा दूर हटा लंबिया का कलमा पढ़ने वाले सुबह का सूरज निकला मेरे आका फरमाया अम्मा तू भी चल मेरा वीर अब्दुल्ला भी
चले जे तो बकरी मैं लवांगा। अम्मा नजारा तुसी करिया लीमा फरमांदिया ने जदों मैं टुर पिया रब्बे काबा दी कसम है मेरे आका इमाम अंबिया ने मेरी उंगली मुबारक फड़ी हुई है बाएं तरफ मेरा वीर मेरा बेटा अब्दुल्ला चलता भी आवे आप फरमांदे ने मैं वेख्या नूर दिया लाटा निकल के आसमान दे वल्ले जांदियां पईयां ने हजरात तेरी वकार मोहब्बत वाले कहंदे ने के लम्मी जुल्फ महबूब मेरे दी जिवें लम्मी रात हिजर दी मत्थे विचों लाटा निकलण जिवें तलत महर सहर दी नैन नराले मस्त रसीले विच झलक मां दाग बसर दी आत्म चमक दंदा दियांगे ते की कीमत कदर दोहरे दी लीमा फरमा दिया जो मकाम आया ओ जगाई है मेरे आका इमाम अंबिया ने फरमा मां कड़ी जगावे हजरत अब्दुल्ला कहंदे मायो सामने जगावी जितों शेर ने साडी बकरी चुकी है जानवर चुकिया आवे मेरे आका उस मकाम ते आए मेरे आका फरमाया अम्मा जे तेरा आर्डर होवे तेरा इज़्ज़त होवे तेरा हुक्म होवे अम्मा मैं जंगल दे शेरां नूं बुला के पुछ ना लवा ओ किन्ने मेरी मां हलीमा नूं परेशान कीता आवे ओ शादरा दे रहन वालो मेरी तकरीर दे आखरी जुमले ने ओ नींदर दे अंदर ऐ उठ के सुभान अल्लाह कहोगे ते गल नहीं बननी जे इंज करके सुभान अल्लाह कहोगे ते गल नहीं बननी इंज सिर हलाओगे ते खाली गल नहीं बननी जे फिर हलाम दे तीन तर्जमे बनदे ने एक तर्जमा देवे शायद इन्हां नूं सरूर आंदा होवे ते अई करदे पए ने दूजा तर्जमा ए बनदा है कि यार इंज करदे ने हो सकदा है इन्हां नूं नींदर आंदी होवे हो सकदा नींदर आंदी होवे ते तीजा तर्जमा ते मैनूं डर लगदा पिया आवे एदा तर्जमा ए बनदा है कि तू मौलवी तकरीर छड़ लै तेरा इलाज कर लैने आ क्योंकि तू मौलवियां दी शानां बयान कीतियां ने ओ मेरे आका इमाम अंबिया दा कलमा बनवाले ओ ज़बान हलाउणी है एक किलो दा सिर नहीं हलाना दो किलो दा सिर नहीं हलाना बल्कि शटाकी दी ज़बान हला के कहना सुबहान अल्लाह एब रब्बे कायनात रमाबू फरमांदा है गुरी सत लहू नखला तुम फिल जल्ला जेड़ा एक वारी सुबहान अल्लाह कहेगा अल्लाह ओदे नाम दा बूटा जन्नत दे अंदर लगवाणगे मेरे आका फरमाया 90 नेकियां रब अता फरमाएगा उलमा दी मौजूदगी अंदर बात दर्ज करना चाहना वा कयामत वाले दिन बंदा एक एक नेकी तो तरसदा होएगा अपने मां बाप दे कोल जाएगा अपने वीरां दे कोल जाएगा अपनियां भैणां दे कोल जाएगा दी दुआ करबां दे कोल जाएगा अपने बड़े बड़े जिगरी जानी यारां दे कोल जाएगा सारे कहणगे ना ना अज साडियां दो घड़दियां ने कोई कहेगा मेरी एक ए बंदे नेकी लैन वास्ते जाएगा एक नेकी दे बदले कहेगा यार मेनू जन्नत मिलदी पई है कोई नेकी नहीं देगा कोई नेकी अपनी नहीं देगा ए दुनिया दारुल अमल जे कबर दारू जदा जे कबर दे अंदर कोई अमल नहीं जे इत्थे दुनिया दे उत्ते जड़े अमल करोगे अल्लाह कबर दे अंदर हशर दे अंदर अल्लाह जन्नत दियां रौनकां ता फरमावेगा ए अच्छा ते शर्मानेया नबी पाक लाले वाले बारी कलम दे गुलामो इधर मेरे आका इमाम अंबिया ने फरमाया अम्मा जे तेरा आर्डर होवे अम्मा जे तेरा हुक्म होवे तेरा इज़्ज़त होवे मैं जंगल दे शेरां नूं बुला के पुछ ना लवा ओ किन्ने मेरी मां हलीमा नूं परेशान कीता होवे एकदा फरमांदियां ने राणा हफीज साहब सुनना जुमला दरा एकदा फरमांदे ने मैं पुत्रा की प्या करना है कह शेर तेरी आवाज सुन के आ जाणगे मेरे आका दी उम्र मुबारक 2 साल मेरे आका ने मुस्करा के फरमाया नबी दे मुस्करावन ते गल करा ते इना जुमला ही काफी है याद रखे आज तू ही मुस्कराना है मैं मुस्कराना वा जो तू ते मैं मुस्कराने आ मुंह दे विचों बो आउंदी है मुंह दे विचों बदबू आउंदी है लेकिन मेरा नबी मुस्करावे मुंह च नूर नला नूर आउंदा वे हर याद रखे आज नबी हस्ते ते जन्नत दा मंदिर बनदा जे नबी नाराज होवे ते जहन्नम दा मंदर बनदा जे नबी हत्ते ते जन्नत दा मंदर बनदा जे नबी नाराज होवे ते जहन्नम दा मंदर बनदा जे मेरे आका इमाम अंबिया मुस्कराए सजदा फरमांदे ने वे पुत्रा की प्या कह लए क्या शेर तेरी आवाज सुन के आ जाणगे मेरे आका इमाम अंबिया ने मुस्करा के जरा जुमला बोलिया दिलां दे पर्दे खोल के सुनना मेरा ओ शादरा दे वासियो कयूर मेरे आका दे दीवाने हो मेरे आका ने मुस्करा के फरमाया मां
रब दी इज्जत दी कसम है, अम्माई ते जानदार ने, अगर मैं पहाड़ा ते दरख्तां नूं आवाज मारा ओ भी दौड़दे होए तेरे मक्की बेटे दे कोल जावण। ए नबी नाल प्यार करन वाले हो, लोकी कहंदे नबी नूं 40 साल बाद पता चले आवे, मैं कहना ना ना, ए नबी दी अजमत है, ए नबी दा मकाम है, ए नबी दा शान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाले बारिक सल्लम मेरे आका फरमा मां जे तेरा या डरोवे, अगदा फरमा ले पुत्रा आवाज मार ले, मेरे आका फरमा अम्मा डरना वे पुत्रा, जंगल दे शेरा तो किन्नू डर नहीं लगदा। मेरे आका ने मुस्करा के फरमाया अम्मा तू मेरे दाई तरफ आ जा, वीर अब्दुल्ला तू मेरे बाई तरफ आ जा। मेरे आका ने आवाज मारी ओ जंगल दे ओ शेरों, ओ तनू रब दा हबीब प्या बुलाउंदा दे। हुण सजदा हलीमा दा जुमला सुनना, एकदा फरमांदे ने मैं जंगल दे चारों अतराफ निगाह दौड़ाई है, फरमाया रब दी इज्जत दी कसम है, सजदा फरमांदियां ने हाले मेरे मक्की बेटे दी आवाज खत्म नहीं हुई। मैं जंगल दे चारों अतराफ निगाह दौड़ाई है, शेरां दे जत्थे दौड़दे आंदे ने। आप फरमांदे ने जदों मैं इन्ने जंगल दे शेर वेखे, मेरे जिसम ते कपकपी तारी हुई, मेरे जिसम ते लरदा तारी होया, मेरे आका ने वद्दुहा दा मुखड़ा मोड़िया। मेरे आका फरमाया मां डरना डरना वे पुत्रा, इन्हां दा इतबार कोई नहीं रा, ए जंगल दे शेर ने। मेरे आका फरमाया मां वाकई इन्हां दा इतबार कोई नहीं रा, लेकिन जानदे ने 2 साल दा बच्चा जेड़ा वे इसी तरह दा रागी रब दा माही है। एकदा फरमा दिया ने पुत्रा मैनू डर पे लगदा वे, मेरे आका फरमा मां तू मेरे करीब आ, वीर अब्दुल्ला तू मेरे करीब आ। जदों शेर थोड़ा जा फासले ते रह गए ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि बारिक सल्लम फरमाया ओ रुक जाओ, मेरी मां हलीमा डरदी पई है। जंगल दे सारे शेर रुके ने, जुमला सुनन वाला तकरीर पूरी जड़ी है, हुण एंड ते हुण एंड जिहड़ा उदों ही समझ आएगा जदों पूरी गल जिहड़ी इब्तदा तो इंतहा तक समझी जावे। लगदा फरमांदे ने जदों जंगल दे सारे शेर रुक गए ने, मेरे आका फरमाया दसो किन्ने मेरी मां हलीमा नूं परेशान कीता वे। हुण यारा जंगल दे शेरां नूं अल्लाह ने बोलण दी ताकत किवें दित्ती अलहदा मौजू है, कुव्वत ते गुजाई किवें मिली अलहदा मौजू है, बोलण दी ताकत किवें मिली अलहदा मौजू है। लेकिन यारा मौजू है, मौजू बयान करना मकसद है। जंगल दा शेर मेरे आका इमाम मुलंबिया दी बारगाह दे अंदर यारा, मेरे नबी फरमाया दसो जल्दी नाल ओए किन्ने मेरी मां हलीमा नूं परेशान कीता वे। सारे जंगल दे शेर खामोश ने, एक बुड्ढा जा शेर गा वधिया वे, अर्ज करदा है जाने कायनात ऐ तबीबे ज़माना, हुणे गलती मैं कर बैठा वा, मैं कर बैठा वा। मेरे आका फरमाया वेख ते सही, सारी रात मेरी मां रोंदी रही है, सारी रात मेरी मां नूं चैन नहीं आया, मेरी मां रोंदी रही है, मेरी मां दी अखां चों हंझुआं दा सैलाब रिहा वे। जंगल दा शेर अर्ज करदा वल्लैण दियां ज़ुल्फां वालिया, आका मैं कर्ज करना चाहना वा। मेरी आका फरमाया बोल की कहना चाहना वे, अर्ज करदा वल्लैण दियां ज़ुल्फां वालिया, आका मेरी तमन्ना ए वे, सोहणिया मैं बकरी दी गल वी करदा वा, लेकिन आका तमन्ना ए वे, सोहणिया अर्ज करना चाहना वा, जसारते करना चाहना वा। आका तुसी जरा बयान फरमाओ, तुसी 3 दिन जंगल च बकरियां चराण क्यों नहीं आए। मेरे आका इमामुल लंबिया दे गुलाम ओ शादरा दे वासियो गल समझ नहीं आई जे, मेरे आका इमामुल लंबिया नु जरा जंगल दा शेर हल करदा, आका तुसी 3 दिन जंगल च बकरियां चराण क्यों नहीं आए। मेरे आका फरमाया मेरी मां दा आर्डर, मेरी मां दा हुक्म है, मेरी मां दा इज़्ज़त है, ते जंगल शेर रोन लग पिया। अर्ज करदा आका मैनू इजाजत दे दियो, मैं तुहाडा रज के दीदार भी कर लवां, सोहणिया रज के तवाब भी कर लवां। मेरे आका फरमाया मैं पुछना वा साडी बकरी क्यों चुकी आ, दस सही मेरी मां नूं परेशान क्यों।
नबी नूर नहीं अस उधर लगे जाने कोई मेरे आका दे मुजदा तो कमाला ते गल्ला करे कोई मेरे आका दिल में कैब ते गल्ला करे हुण अपने नबी दी शान वेख लै जानवर जड़े ने ओ साडे नालों सच्चा प्यार कर गए ने हुण जरा गौर कर जंगल दा दरिंदा डोंदा वे अर्ज करदा आ का अज तो 80 साल पहले अज तो 80 साल पहले आका इसे जंगल दे अंदर लजपाला जिदे अंदर सुनिया तुसी तकरियां चराना है जे आका मैं शिकार दी नीयत ते फिरदा पिया सा कोणिया ती जंगल दे नाल ही साइयां दा गिर जाए ईसाइयां दा पादरी कदी कदी वाद करदा कदी कदी तकरीर करदा आका एक दिन ओह तकरीर करन लग पिया मैं शिकार दी नीयत ते फिरदा पिया सा लजपाला ए मादाग दे काजल वाले आ कोणिया तकरीर ओह बंदा करदा पिया वे नवी झाड़ियां दे ओले बै मम्मी झाड़ियां दी ओले बह के ओदी तकरीर सुनन लग पिया आका तेरी शान दे आका कमालात मुजदात लजपाला बयान करन लग पिया कहन लगा सजनो तोनू मुबारक होवे चंद सालां तो बाद ओ पैगंबर आउण वाला जे जिदिया खुशखबरियां हज़रत ईसा अलैहि सलाम सानू दिंदे गए ने फरमाया नबी दा मकाम होएगा अर्श वाले भी ओदे गीत गाणगे फर्श वाले भी ओदे गीत गाणगे उस नबी दा कमाल वे राइयां ते कोल बच्चे होणगे दाइयां कोल बच्चे होणगे रातां नूं रोवणगे रो के अपनियां मावां कोलों दुध मंगणगे लेकिन सोणा जदों अपनी मां दे कोल रवेगा कदी वी अपनी मां नूं रो के जगाएगा नहीं जदों उहनां दी मां आराम करदी होएगी अल्लाह आसमान तो चन्न भेजेगा अल्लाह फरमाएगा चन्न जी मेरे यार नूं जाके लोरियां दे आ दे आसमाना दा चन्न जेड़ा वे उहनां नूं लोरियां दे दे के सुनाया करेगा अर्श वाले भी उहदे गीत गाणगे फर्श वाले भी उहदे गीत गाणगे आका मैं तेरे मौजदा सुने आका मैं तेरे कमाला सुने ने आका मैं तेरा दीवाना हो गया जंगल दा शेर अर्ज करदा लजपाला मैं तेरे नाल प्यार कर बैठा आका मैं तेरे नाल मुहब्बत दे के मुहब्बत विच आके दिल दे बैठा वा सोणिया तकरीर मुकन लगी है एक बंदा खड़ा हो गया कहन लगा पादरी जी दसो ते सही ओ नबी पैदा किथे होएगा उहनां कहा पैदा ते मक्कातुल मुकरमा दे अंदर आउणगे लेकिन इस इलाके दी दाई हलीमा जिहड़ियां ने उहनां नूं अपना दुध पिलाणगियां कदी कदी ओ सोणा नबी अपनी मां हलीमा दियां बकरियां लैके इत्थे जंगल दे अंदर जिथे तुसीं तकरीर सुणदे पै जे इत्थे बकरियां चराण आया करेगा लजपाला तकरीर मुक गई आका मैं तेरे सजदे दे अंदर रखिया अर्ज कीती या अल्लाह मैं सुखी खा लवांगा या अल्लाह मिल गई ते खा लवांगा ना मिली ते सबर कर लवांगा लेकिन या अल्लाह मैं तेरी बारगाह दे अंदर अर्ज करना चाहना वा या अल्लाह मैनूं इन्नी जिंदगी जरूर देवी या अल्लाह मैं तेरे यार दा वद्दोहा दा मुखड़ा वेखना चाहना वा वलैल दियां ज़ुल्फां वेखना चाहना वा हामीम दे कुंडल वेखना चाहना वा यासीन दा तेरा वेखना चाहना वा सिमगा तुल्ला दा रंग वेखना चाहना वा ए सोणिया मौला मैनूं इन्नी जिंदगी जरूर देवी आका पिछले दिनां तुसीं अपनी मां हलीमा दियां बकरियां लैके जंगल दिया सारिया शेरां ने लजपाला तेरा दीदार भी कीता वे आका तेरा तवाब भी कीता वे लजपाला जदों मैनू आके दसिया वे ओ जिन्हां दा मुद्दा तो जिक्र करदा पिया वे इन्हां तो मुद्दा तो हसरत दे अंदर दिल दे अंदर रख के इन्हां दे प्यार दे तराने गांदा पिया
आवे अज आखरू समा पैगंबर तशरीफ लैके आए असि उन्हां दा दीदार भी कीता वे असि उन्हां दा तवाब भी कीता वे सुने जदों मैं गल सुनी है मेरे दिल च हो उठी है आका मैं बीमार भी हाँ बुढ़ापा भी है किते बिन वेखे मौत ना आ जावे लज पाला सारी रात आका मैनू नींद नहीं आई सारी रात मैं रात बार बार घर चो बार निकलना वा कदों सुबह दा सूरज निकलेगा कदों सोना तशरीफ लैके आएगा आका सुबह दा सूरज निकलिया सोनिया तुसी नहीं आए तुहाडा वीर अब्दुल्ला आया वे हजरत अब्दुल्ला बकरियां लैके आए ने लजपाला जदों मैं तुहानू नहीं वेखिया मेरे दिल च हौंक उठी है किते बिन वेखे मौत ना आ जावे क्योंकि मुद्दा तो मैं इंतजार करता पिया वा आका मेरे दिल दे अंदर ख्याल आया की कीता जाए रोनिया यका यक मेरे दिल दे अंदर ख्याल आया वे क्यों ना मैं आका दी ओ बकरी चुकना वा हलीमा दे घर विचों ओ जानवर चुकना वा लजपाला जी दा दुध तुसी पींदे जे लजपाला जदों सजदा हलीमा बकरी नहीं वेखेगी बगदा हलीमा रोन गिया तुसी अपनी मां नूं तसली देण वास्ते आका जंगल च जरूर आओगे आका मैं माफी भी मंगागा सोनिया बकरी भी वापस करागा ना ना मदा ने उची बोल सुभान अल्लाह लजपाला मैं माफी भी मंगागा सोनिया मैं बकरी खान वास्ते नहीं उठाई आका मैं बकरी नू चब्बा नहीं मारिया सोनिया मैं बकरी खान वास्ते नहीं उठाई मेरे आका फरमाया दस फिर चुकी क्यों ही अर्ज करदा लजपाला रब दी इज्जत दी कसम आका बकरी दा बहाना है आका तेरी ज़ियारत दा निशाना है होनिया तेरी इज्जत दी कसम आका बकरी दा बहाना है तेरी ज़ियारत दा निशाना में होनिया मैं चब्बा नहीं मारिया मैं ज़रब नहीं मारी होनिया सारी रात मैं बकरी दी अखां वेखना पियावा बकरी बोल के कहंदी या अबल हारसी ऐ शेरा मेरी अखां क्यों वेखना पियावे ते वादी ए कश्मीर दा शहजादा खड़ी दा कलंदर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला ले जदों आप इस तरफ गए ने आप फरमांदे ने शेर कहंदा वे सारी रात मैं जानवर दियां अखां वेखदा रिहा वा ओ गो कहंदी मेरी अखां क्यों वेखना पियावे शेर कहंदा ओए जिन्ना अखियां ने यारा दिल बरडीठा अतयो अखिया तक लईया ओए तू मिलियो ती हुण सोना मिलिया हुण आसा लग पई चब्बा नहीं मारिया मेरे आका इमाम उलंबिया ने फरमाया जल्दी नाल दौड़ के जा सारा जानवर वापस लेके आ क्योंकि मैं अपनी मां नाल वादा कीता वे अम्मा रोंदी जा रही है हसी आएगी शेर दौड़ के गया जानवर वापस लेके आया मेरे आका इमाम उलंबिया ने कहा अम्मा वेख ले ए कोई साडा जानवर है सैयदा नीमा ने मेरे नबी दा मुंह मत्था चुमिया ते सीने नाल लाया कह लगे मेरे मक्की लाल मैं मन गई हां जो तू कहना है ओ करके वहाना है और साडा भी अकीदा है साडा भी अकीदा है वे असि कहने दिल को कैफो सरूर मिलता है
भाई राणा हफीज साहब, भाई रियाज साहब, हाफिज हवी हवाई साहब, जिन्होंने आका इमाम उलंबिया का मिलाद मनाया वे, उलमा नु बनाया वीरा ते सजना बेलिया नु बुलाया वे। बेली कहंदे ने सजणों ये क्यों कर दे जे, ये जवाब देंदे ने दिल को कैफो सरूर मिलता है, दिल को कैफो सरूर मिलता है, गुरबे रब्बे गफूर मिलता है। ओ तजर्बा है नबी की चौखट से, अरे जो भी मांगू जरूर मिलता है, क्योंकि है तो बस नामे मोहम्मद ही सहारा है अपना, उनके सदके से ही चलता है गुजारा है अपना। हमको तो पान की मौजों का कोई खौफ नहीं, हम इसी नाम से पालेंगे किला राय अपना, क्योंकि सदके मालिक का तेरिया हिकमता तो लफ्ते कुन थी की बना छड़िया, रंग रंग अंदर अपना रंग भर के हर एक रंग खूब चमका छड़िया, धरती सब्जियां नाल शिंगार दीती, फलक तारिया नाल सजा छड़िया, किधरे पता है अपना ला मकान देके लीमा अल्लाह की कदी फरमा छड़िया, वनहन अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद कह के वफी अनफुसिकुम कदी सुना छड़िया, ओए लात तुदरी को कुल अब सार फरमा किधरे किधरे यार नु जलवा दिखा छड़िया, लंतरानी थी किसे नु टाल दिता किसे लई नकाब उठा छड़िया, दर्रे दर्रे विच करके जहूर अपना फिर भी पर्दे विच खुद नु छुपा छड़िया, ए ता कदी भी राज नहीं खुलना सी, कमली वाले ने पर्दा उठा छड़िया, मरानी फकदराल हक कह के हर एक नुक्ता ए खूब समझा छड़िया, उंज ते आप भी गल्ला विच गल पाके कुन तो कंसन दा मुस्ता सुना छड़िया, दाखिल होण दा होया जा शौक हाफिज, ओए कमली वाले नु पैदा परमा छड़िया। मेरे भाई मोहब्बत ना थी फिर इस शेर के इख्तिताम करते हैं, क्योंकि नारा बज चुका है, अति कहने कह रब ने मोहम्मद ते ये वादा हमारा है, कहा रब ने मोहम्मद से ये वादा हमारा है, हम देंगे उसे जन्नत, नौकर जो दिवकार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक पहलू ओ तोड़े सामने बयान कीता, अल्लाह ताला तोड़ी मेरी हाजरी अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। दूजा पहलू ए वे कि अगर कोई बंदा कवे कि अगले चार साल कैसा मंजर बनेया, वो एक अल्लाह दा मौजू है। ठीक है, मैं बात अर्ज की कि सगद हलीमा सरकार नूं वापस छड़न जांदियां ने इक अलहदा मौजूद। उलमा तशरीफ फरमाने सारी दुनिया तवाफ़े काबा कर दीए, हजरी अस्वद नूं चुम दीए, सगद हलीमा फरमांदे ने जदों मैं सोने नूं लैके आई हाँ तो मेरा दिल किया मैं हुण देर ना लाना तो तवाफ़े काबा कर लवा, तवाफ़े काबा करके कहनी मैं हजरी अस्वद नूं चुमन लगी तो हजरी अस्वद तो आवाज़ आई तू ठहर, मैं सोने नूं आके आप उसे दे लेना।
हजरे अस्वद निकल के अपने मकाम तो ने मेरे नबी दे बोसे लाए। मेरे आका इमाम अंबिया दे गुलामो अल्लाह ताला सोने दी मोहब्बत अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। हाफिज या अल्लाह मैनू बोलन दी ताकत दे, मैं दसा इन्हां नू या नसा बनी सादिन कुन्ना लफी गफलतिन। ए बनी सादियो दाइयो थोड़ी अखां ते पर्दे आए ने, वहल तदरी ना माना अल्लाह जहरी, देखो मेरी पुछते कौन सवार है। एक अलहदा मौजू है ते उथे जिस वक्त वह जवाब देंदी ने डाची ते सजदा फरमांदियां ने, उन्हें पुछदे ने नहीं हलीमा तेरे दाएं बाएं नूर कांदा है। हाय हाय जिन्हों नींद आती होना सुबह अल्लाह कवे कोई बात। बुजुर्ग कह रहे हैं तो नौजवान शर्मा रहे, शर्माना उदो चाहिए जो अभी मां बाप के अगो बोलने, शर्माना उदो चाहिए जो गाली गलोच करने। नबी का नाम लैन तो इज्जत तो बोलना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। मैं तो कर रहा था कि हलीमा ने जिस टाइम वो जुमला बोलिया ना, आपने जुमला जरा बोलिया वो सुनना जरा। आमीना दा चने मैता झोली पाई वैनिया, आमीना दा चने मैता झोली पाई वैनिया, जिन्हों तुसा नहीं चाया मैं ते जाई वैनिया। तुसी बात इन्ना ही कहना है, जिन्हों तुसा नहीं चाया मैं ते जाई वैनिया। वो कहंदे ने नूर कहंदा है, आप फरमाया ओ डाची जी तू या मिला दे वेड़े विचों चलिए, इधरों ए नूरी मखलूक लाल चलिए। डाची जी तू या मिला दे वेड़े विचों चलिए, इधरों ए नूरी मखलूक लाल चलिए। सारे नूरियां दी संगत बनाई वैनिया, बोलो जिन्हों तुसा नहीं जाया मैं ते जाई वैनिया, बोलो जिन्हों तुसा नहीं जाया मैं ते वैनिया। और कमली ओ तुसा चाहे खाकियां दे बालने, मैं ते सोना नूरी चाया नूरी मेरे नाल ने। हाँ हाँ कमली ओ तुसा चाहे खाकियां दे बालने, मैं ते सोना नूरी चाया नूरी मेरे नाल ने। सारे नूरियां दे नक्श पकाई वैनिया, जिन्हों तुसा नहीं जाया मैं ते जाई वैनिया। नासरियो साडा दुनिया दा हमीए, मैनू फखर के बनी दी दाई वैनिया, मैनू फखर के बनी दी दाई वैनिया, जिन्हों तुसा नहीं चाया मैं ते चाई वैनिया।